गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूँ दीपाली। एंजल लाइफ फिल्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बनाएंगे ये जो ग्रीन मूंग है जो स्प्राउट्स निकले इसके, इसका हम लोग पुलाव बनाएंगे। तो ये मैंने कल भिगो के रखा था, परसों दोपहर में भिगो के रखा था, और अभी इसका आज स्प्राउट्स आया है ये वाला। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, तो हम इसका पुलाव बनाएंगे। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमें ये स्प्राउट्स चाहिए, उसके बाद हमें अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन मटर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद ये सोख किए हुए चावल, मैंने 2 वाटी सोख किए हुए चावल लिए हैं। उसके बाद आपको प्याज लेना है एक, उसके बाद एक टोमेटो कट किया हुआ, देन हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, जीरा और राई, और ये तीखा मसाला। अभी मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया है, देखिए कुकर गर्म हो रहा है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। गाइस, कुकर हमारा गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जो आप रेगुलर आपके खाने में यूज कर सकते हो। अभी चावल हमारा 2 वाटी है, तो हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है, जो आप यूज करते हैं वो। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये राई और जीरा, साथ में डालेंगे, ठीक है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे हम लोग। अब इसमें हमें डालना है टोमेटो। टोमेटो भी अच्छे से हमें भूनना है। टोमेटो और प्याज अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है हमें, और इसको हमें अच्छे से, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन जाने तक भूनना है 2 मिनट तक। फिर हमें इसमें मसाले डालने हैं, ये है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। उसके बाद ये है हमारा तीखा घर का मसाला, और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और फिर हमें इसमें डालना है ये ग्रीन मूंग के स्प्राउट्स, और इसको अच्छे से हमें 5 मिनट तक भून लेना है। गाइस, 5 मिनट तक हमने ग्रीन मूंग को अच्छे से सॉटे कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें राइस डालेंगे, जो हमने यहाँ पे सोक करके रखा था। 10 मिनट मैंने सोक करके रखा है, आप कौन सा भी राइस ले सकते हैं इसको। और फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको, ताकि जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं या जो भी मसाले डाले हैं वो अच्छे से राइस को लगना चाहिए। ओके गाइस, 5 मिनट हो गए, हमने अच्छे से राइस भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी डालेंगे, जो भी आप क्वांटिटी में डालना चाहते हो, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गाइस क्या करना है, लास्ट में हमें ये मटर डालने हैं, फ्रोजन मटर है गाइस।
अभी तो विंटर सीजन है तो मटर बहुत सारे आते हैं, तो आप मटर डाल ही दीजिएगा, मटर से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब फाइनल हमें इसमें डालना है नमक। नमक से बहुत, नमक तो चाहिए गाइस, आपको तो पता है, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है जो भी आपका है वो। और एक बार इसको वापस आप अच्छे से मिक्स करिए, नमक जो है वो अच्छे से लग जाए। ओके चलिए अब हम इसका जो ढक्कन है वो लगाते हैं, और हमें इसकी 2 से 3 सीटी करके लेना है। चलिए 2 से 3 सीटी के बाद बनते हैं गाइस। गाइस गैस मैंने बंद कर दिया है, अब हम कुकर नीचे उतारेंगे और एक मिनट चेक करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, अभी हम इसको गार्निशिंग करेंगे। गाइस मटकी पुलाव हमारा रेडी है, देखिए कितना डिलीशियस और सुंदर लग रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।